बदायूं के पुलिस परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। 17वें दीक्षांत समारोह के मौके पर 200 रिक्रूटों को पासिंग आउट परेड के बाद यूपी पुलिस में शामिल कर लिया गया। इस अवसर पर एडीजी बरेली जोन अविनाश चंद्र ने परेड की सलामी ली, जिसके बाद उन्होंने 200 रिक्रूटों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर एडीजी बरेली जोन अविनाश चंद्र ने कहा कि नए रिक्रूटों को पीएसी के गौरवशाली इतिहास वाले बल में शामिल होने का मौका मिला। सभी रिक्रूटों की अलग अलग जगह तैनाती होगी, साथ ही उन्होंने अपराध पर नियंत्रण करने की भी बात कही। 200 पीएसी के रिक्रूट कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड थी, इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ और ये डिफरेंट बटालियंस में इनका आवंटन हुआ है, वहाँ पर जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर में अपना सहयोग देंगे। सर, देखा गया है कि कानपुर जैसी घटनाएं हुई हैं, आपने क्या संदेश देना चाहेंगे जो आगे इस तरह की घटना ना हो? उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पुलिस की गोपनीयता है वो किसी भी दशा में भंग ना हो। ऐसे कर्मियों के हम लोग कंटिन्यूस आइडेंटिफिकेशन करते रहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते रहते हैं और साथ ही साथ जब भी दबिश में जाएँ अलर्ट होकर के जाएँ, मेंटल प्रिपेयरनेस के साथ जाएँ कि अगर कोई फायर करता है तो उसका रिस्पांस कैसे करेंगे। सर, एक बड़ा जोन है सर आपके पास, लगातार किडनैपिंग की घटनाएं सर उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, सर क्या तैयारी है सर आपकी? ऐसा है, किडनैपिंग की हर कोई घटना, पहली चीज़ तो बरेली जोन में भी कोई किडनैपिंग घटना हाल में नहीं हुई है और अगर कोई होगी तो हम लोग उसमें जो है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे जितनी हम लोगों के रिसोर्सेज हैं सबको मोबिलाइज करेंगे और तब तक लगे रहेंगे जब तक केस का सफल अनावरण नहीं हो जाता। किडनैपिंग को हम लोग बरामद नहीं कर लेते, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है किडनैपिंग को बरामद करना, उसकी सेफ वापसी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है और उसके बाद फिर जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन। आपको बता दें कि सभी 200 पुलिस कर्मियों को एसएसपी और जिलाधिकारी ने पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया है। यूपी पुलिस में शामिल होने पर पुलिस कर्मियों ने अपने परिवार के साथ खुशी को साझा किया और बैंड बाजे पर जमकर डांस किया। बदायूं से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।